Children, myself Meji, your computer teacher. I hope all are you fine. Today is our first computer class. Let us start our first chapter, computer languages. Students, we talk to each other using a language. That is, a language is a medium of expressing feelings and views. In the same way, a computer uses a language to understand the instructions given by the user. Matlab, हम बात करते समय हमको समझने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए. वो जैसे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते समय वो कंप्यूटर को समझने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए प्रोग्राम. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसको बोलते हैं प्रोग्राम. दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. वो इंस्ट्रक्शन को हम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में रिटर्न करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स. वो सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स मीन्स, ये देखो नॉर्म और एक्स बॉक्स में है. सिंटैक्सेस आर रूल्स यूज्ड टू क्रिएट द स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेयरस सेमांटिक्स आर द लॉजिकल रूल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू क्रिएट सिंटैक्स. सिंटैक्स में एक रूल्स, वो स्टेटमेंट्स क्रिएट करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने के लिए सर थोड़ा रूल्स चाहिए, इसको बोलते हैं सिंटैक्सेस. वो लॉजिकल रूल्स आर यूज्ड इन ए प्रोग्राम, वो सिंटैक्स करने के लिए, इसको बोलते हैं सेमांटिक्स. नेक्स्ट वन, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज बिकम फास्टर. Programmers can write powerful application programs by using various programming languages to solve many problems. The development of computer language has been divided into following categories. हमको ये programming languages fast करने के लिए थोड़ा languages चाहिए. इसको वो divided into computer language को development करने के लिए तो ये develop करके रखा है. First one is machine language, वो means first generation में. Second, assembly language, second generation. Third one, high level language, third generation. Fourth one, latest high level languages, fourth generation. वो मशीन, फर्स्ट वन मशीन लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट जनरेशन, इसका एक्सप्लेनेशन है. मशीन लैंग्वेज इसे लो लेवल लैंग्वेज, ब्रैकेट में LLL, वो मतलब लो लेवल लैंग्वेज. ये मशीन लैंग्वेज इसे लो लेवल लैंग्वेज. इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई ए कंप्यूटर. वो कंप्यूटर में डायरेक्ट अंडरस्टूड करने के लिए ये लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन लैंग्वेजेस आर रिटन इन ए सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस दैट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. वो ये मशीन में जीरोस एंड वंस को बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स. ए प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज कैन बी एक्सिक्यूटेड बाई द CPU directly. Therefore, the execution of programs takes place at a very fast speed. In the execution of programs, the execution of programs takes place at a very fast speed. In a programs ka execution, isme very fast karne ke liye use karte. Games and simulation programs were written in the machine language. Games and simulation programs machine language mein written karte hai. Machine language is machine dependent. Machine language matlab machine dependent karte hai. It means the programs written in machine language or on a computer cannot run or on another computer. Isme running kar sakte hai aur another computer mein use nahi kar sakte. Isme no more usme dekho. Simulation program is a technique used to prove a program's working. Simulation program मतलब एक technique होती है वो programs work improve करने के लिए. ये simulator can be written in C, C++ or Java. Next one is assembly language and second generation. Assembly language is also a low level language. ये assembly language भी low level language होती है. Assembly language is used to letter codes. असेंबली लैंग्वेज में हम लेटर कोड्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स. फर्स्ट जनरेशन में हम इसमें बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं. ये सेकेंड लैंग्वेज में लेटर कोड्स यूज़ करते हैं. दीज लेटर कोड्स आर नोन एज निमोनिक्स. क्या बोलते हैं? निमोनिक्स.
A mnemonic is an alphabetical abbreviation used as a predefined name of an operation or machine instruction. इसमें ये निमोनिक्स में अल्फाबेटिकल कोड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, टू रिप्रेजेंट एडिशन द निमोनिक लिखते हैं ADD. हम एडिशन को स्मॉल वो कैपिटल लेटर में ADD ऐसे लिखते हैं. मे बी यूज्ड सिमिलरली सेम ऑफ द अदर निमोनिक्स आर एस फॉलोस. सब्ट्रैक्शन को हम SUB सब, लॉड को LDA. नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई MUL, divide DIV. यह द असेंबली लैंग्वेज कोड कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई द कंप्यूटर. यानी ये असेंबली लैंग्वेज कोड को कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है. सो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर वॉज डेवलप्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज. तभी तो ये प्रोसेसर मतलब ये ट्रांसलेटर वगैरह ये डेवलप करके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज करके रखा है. नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन. हाई लेवल लैंग्वेज ब्रैकेट में HLL आर ईजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट. ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ईजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट, वो प्रोग्रामर्स को राइट एंड टेस्ट करने के लिए थोड़ा ईजी होती है. दीज लैंग्वेजेस आर रिटन यूजिंग लेटर्स वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स. दीज लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं? Letters, words and mathematical symbols. High level languages are not machine dependent. ये high level language not machine dependent. Once the program is written, it can be used on different computers. हम एक एक time लिखते हैं तो वो different computer में use कर सकते हैं. The program written in a high level language is also converted into machine language by using language translators. Using translators matlab the programs written in a high level language is also converted ye high level language machine language mein convert karke rakha hai. So some of the high level languages are C, C++, Java, Net, etc.